पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सबस्क्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सबसे बड़ी खबर है मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे पर कार्रवाई। अवैध कब्जे को खाली करा रही है पुलिस। जेसीबी के साथ भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है। गेट का ताला तोड़ पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। लखनऊ के डालीबाग इलाके का आज मामला है, जहां पर बाहुबली मुख्तार अंसारी का अवैध कब्जे पर कार्रवाई की है पुलिस ने। अवैध कब्जे को खाली करा रही है पुलिस। जेसीबी के साथ भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है। गेट का ताला तोड़कर पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। लखनऊ के डालीबाग इलाके में ये अवैध कब्जा था मुख्तार अंसारी का, जिस पर पुलिस ने अब कड़ी कार्रवाई की है और अवैध कब्जे को जेसीबी मशीन के द्वारा हटाया जा रहा है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्तार अंसारी पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है पुलिस का, और जो उसके अवैध कब्जे हैं उन पर भी पुलिस की कार्रवाई अब तेज होती दिख रही है। डालीबाग इलाके में मुख्तार अंसारी का अवैध कब्जा था, उस पर अब पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही। जेसीबी मशीन के द्वारा मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है। और हमारे लखनऊ संवाददाता शिवा शर्मा हमारे साथ जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ में। शिवा, जो मुख्तार अंसारी की अवैध प्रॉपर्टी है उस पर पुलिस लगातार अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। डालीबाग के इलाके में जो मुख्तार अंसारी की अवैध कब्जा कर रखा था जहां पर, वहां पर पुलिस ने कार्रवाई की है। जेसीबी मशीन के द्वारा अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है। बिल्कुल धीरेन्द्र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस मामले को लेकर के गंभीर है और मुख्तार अंसारी की जितनी भी संपत्तियां, चाहे इलाहाबाद की हो चाहे लखनऊ की हो, उसमें जो अवैध कब्जा कराकर उन्होंने जो करोड़ों की इमारत जो खड़ी की है उस पर लगातार, चाहे इलाहाबाद विकास प्राधिकरण हो चाहे लखनऊ विकास प्राधिकरण हो, उनका चिन्हीकरण कर चुका था। और ये बताया जा रहा है कि ऋतु सुहास जो संयुक्त सचिव है लखनऊ विकास प्राधिकरण की, उन्होंने इस जमीन को चिन्हित करके इनके टावर को गिराने का आदेश जो है 11 अगस्त को ही दे दिया था। और आज सुबह से तकरीबन 4:30 बजे के बाद से ये कार्रवाई ध्वस्तीकरण की शुरू हुई है। लखनऊ के हजरतगंज का डालीबाग इलाका है और डीजीपी जो ऑफिस के जस्ट बगल की वो जमीन जो बताई जा रही है जिसमें ध्वस्तीकरण किया गया है दो टावरों का, जो मुख्तार अंसारी के बेटे अब्दुल और एक अतर अंसारी काम पे था और वो शत्रु की संपत्ति थी जिसपे से मुख्तार अंसारी ने कब्जा करके अपने बेटों के लिए घर बनवाए थे और उसी का ध्वस्ती के लिए 16 मशीन और लगभग 2 शर्मी एलडीए ने लेकर के उस टावर का ध्वस्तीकरण किया है। इस दौरान वो वहां जो मुख्य के गुर्गे थे उनसे पुलिस की जरूरत थी, पुलिस ने मामले पर काबू पा लिया था और लोगों को से हटा दिया था, उसके बाद ध्वस्तीकरण कार्रवाई की थी। अब लखनऊ विकास प्राधिकरण कौन कौन से ऐसे लगे जो अलग अलग इलाके हैं उसमें भी मुख्तार अंसारी के संपर्क है, आप पुलिस और विकास प्राधिकरण उस मामले की जांच करें। कहा जा सकता है कि दो टावरों के गिरने कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी जो जेल में बंद है, जो बाहुबली विधायक है, उसके कई मंसूबों पर थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। और लाश प्राधिकरण का दावा है कि ऐसे ही जितने जो आज के टावर हो, चाहे बंगले हो चाहे जमीन हो, अगर वो अवैध पाए जाएंगे खिलाफ इसी तरीके की कार्रवाई की जाएगी। धीरेन्द्र, 6:30 का वक्त है जब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है, वैसे ही वहां से पीएसटी इलाके में दी गई थी, सिविल पुलिस की फोर्स ले ली लाइन से और एलडीए बड़ी कार्रवाई करते हुए कार्रवाई किया है। जी शिवा, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। जेसीबी मशीन के द्वारा जो भी प्रॉपर्टी वहां पर बनाई गई थी उन सभी को हटाया जा रहा है। भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात किया गया है ताकि कोई उपद्रव ना हो।